अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस टेक व्लॉग्स। जी मेरे सामने ये एक सोलर का चार्ज कंट्रोलर पड़ा हुआ है और डीसी 12 वोल्ट का एक पंखा नज़र आ रहा है आपको, जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। तो सोलर प्लेट का पीछे सिस्टम लगा हुआ है, सोलर प्लेट से सिग्नल आ रहा है इसको। ये एक बैटरी आपको नज़र आ रही है 12 वोल्ट की, ऊपर 12 वोल्ट का एक डीसी बल्ब भी है। तो ये सोलर प्लेट है जो इसके साथ हमने आज कनेक्ट की हुई है। तो ये सोलर का चार्ज कंट्रोलर है। ये देखें जी, पंखा ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। इसमें जो है ना, ये अब एक फॉल्ट है जो आज हमने रिमूव करना है कि ये ऑटोमेटिकली क्यों ऑन ऑफ हो रहा है। ये खुद ही ऑन ऑफ हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। जी सबसे पहले मैं आपको जो है ना, इसके पैरामीटर जो है ना, लोड ऑफ इसको हम देखते हैं। ये है 10.7 वोल्ट। ये देखें जी, कभी कभी वोल्टेज जब ये चलता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। ये 9.3 हो गए हैं अभी, तो ये देखेंगी 11.3, 11.4, 12, ये कभी कभी ऐसे वोल्ट चले जाते हैं जब ये ऑफ़ होता है। तो सबसे पहले जो है ना, हम इसका लोड ऑफ़ चेक करेंगे कि लोड ऑफ़ जो है ना, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम कम करेंगे। तो क्योंकि ये जो है ना, इसका लोड ये 9.2 पे जाके रुक जाता है वैसे, तो इसको हम जो है ना डाउन करेंगे ताकि ये जो है ना पंखा ऑफ़ ना हो। इसको हम 9 कर देंगे, क्योंकि जब ये रनिंग में आता है तो लोड इसका जो है ना 9.1, 9.2 चला जाता है। इस वजह से हम इसको जो है ना 9 पे सेट कर देते हैं लोड ऑफ़ को। और लोड ऑन जो है ना 11.5 था, तो अभी जो है ना मैंने इसको सेट कर दिया है 9 वोल्ट पे सेट कर दिया। देखिए जी, पंखा अब खुद बहुत चल रहा है ना, अभी ऑन ऑफ़ नहीं हो रहा, ये अब परमानेंट चलता रहेगा। ये नीचे सामने जो लोड आ रहा है 9.1 वोल्ट जो है ना अभी शो कर रहे हैं ये। जब ये 9.0 से कम होगा लोड इसका, तब ये जाके पंखा ऑफ होगा। तो पहले इसका लोड जो है ना, जो हमने सेट किया था लोड ऑफ़, वो 10.7 था। तो जो ही 10.7 से वोल्टेज नीचे आते थे जब ये चलता था, तो ये खुद बहुत ही ऑफ़ हो जाता था। अब मैंने इसको 9 पर सेट कर दिया है, तो ये देखें जी, आप इसको खुद ही यानी कि ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ना लोड ऑफ़ जो है वो 9.0 से कम नहीं हो रहा, 9.1 पे स्टिल है। तो अब ये पंखा चलता रहेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसको जो है ना लोड ऑफ़ को चेक करना कि लोड ऑफ़ क्या दिया हुआ है और हमारा रनिंग पे लोड क्या आ रहा है। ये मेरा डीसी बल्ब है 12 वोल्ट का, इसको भी हम चला के चेक करते हैं ये कितने वोल्टेज शो करेगा, फिर इसका लोड कितना। ये देखेंगे 12 वोल्ट डीसी का बल्ब मैंने चला दिया, ये 10.1 वोल्ट पर जो है ना जाके रुक गया, 10.1 वोल्ट पर। तो इसका मतलब ये है कि ये डीसी का जो है ना, डीसी 12 वोल्ट का बल्ब भी चलता रहेगा। तो इस तरह ये जो ना, अगर आपका भी ये फॉल्ट आता है, कोई भी फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ़ हो रहा होता है, तो उसमें ये फॉल्ट होता है कि उसका जो है ना लोड सेट जो हमने किया हुआ है लोड ऑफ़, वो ज़्यादा होगा। उसको कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका फ़ैन जो है ना वो चलता रहेगा। तो अभी जो है ना हम इसके लोड ऑफ़ जो है ना उसको दोबारा वापस करेंगे, तो ये पंखा दोबारा नहीं चलेगा। फिर देखें जी, अभी 9 वोल्ट हैं, इसको जो है ना मैं सेट कर दूंगा। ये देखें जी, लोड ऑफ़ को मैंने 10.7 कर दिया है। अब इसको जो है ना मज़ीद जो है ना दोबारा मैं चेंज करता हूँ, 10.7 से जो है ना दोबारा जो है ना इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, 10.7, 10.8, 10.9, 11, 11.0 पे जो है ना इसके वोल्टेज अभी सेट करते हैं। इसको मैं दबा के रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक ये स्टिल नहीं हो जाता। जब ये स्टिल हो जाएगा मैं छोड़ दूँगा इसको। ले जी, ये स्टिल हो गया। अब दोबारा जो है ना मैं मेन पे आता हूँ, मेन पेज पे, उसके बाद जो है ना हम इसको दोबारा चलाएंगे, तो फिर दोबारा इसको देखेंगे कि दोबारा फिर वही फॉल्ट आ जाएगा इसमें, दोबारा जो है ना ये नहीं चलेगा। ये देखें जी, 10.9 वोल्ट हैं, मतलब कि हमने सेट 11 किए हुए हैं, लेकिन इधर 10.9 वोल्ट शो कर रहा है। तो दोबारा मैं इसको चलाऊँगा तो दोबारा ये नहीं चलेगा पंखा। ये देखें जी, क्योंकि हमने जो सेट पॉइंट दिया हुआ है इसका, वो दिया हुआ है 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट से ये कम है वोल्टेज, 10.9 है, तो जिसकी वजह से ये ना दोबारा नहीं चलेगा। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।